इसके लिए 14 अगस्त क्यों बनाया हुआ है? इस्लाम में शामिल ही नहीं है, तो हम कैसे मना सकते हैं? यानी आपको लगता है कि ये एक दिन नहीं होना चाहिए, सारा साल जब भी मौका मिले मोहब्बत कर लेनी चाहिए? आपको लगता है ये एक इजाफी खर्चा के दिन बना दिया? खर्चे के दिन बना दिए, फ्लावर्स चॉकलेट्स भी की हो गया कुड़िया नु। मोहब्बत वैसे कुछ नहीं होती। नहीं होती। फरवरी तक कोई मिल गया तो ठीक है, वरना हराम है, हराम है, हराम। कोई गर्लफ्रेंड है कोई? जी बिल्कुल है। 14 फरवरी मनाते हो? जी बिल्कुल मनाते हैं। क्या कहना चाहोगे, मनानी चाहिए? मनानी चाहिए, आशिकों का दिन है। आशिकों का दिन है, तुम आशिक हो? बिल्कुल आशिक, क्यों नहीं। तेनु इतना मैं प्यार करा, एक पल में 100 बार करा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाज़रीन, ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आपका पूरा हफ्ता बेहतरीन गुजरा होगा। मैं हूँ आपका प्यारा सा होस्ट सैयद मौसम अहमद गिलानी और आप देख रहे हैं मीडिया वर्ल्ड 247। आपको जैसे पता है कि 14 फरवरी बिल्कुल पास पास है और ये एक वैलेंटाइन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बहुत सारे लोग इसके हक में हैं, बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। आज हम यहाँ लाहौर सफारी ज़ू में मौजूद हैं और यहाँ हम लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि आया वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, या बिल्कुल इसकी ममानियत करना चाहिए। क्या ये इस्लामिक इक़दार के ख़िलाफ़ जाती है चीज़ें या इसके हक में हैं? हमें मोहब्बतों का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, ये आज लोगों से रिव्यूज़ लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अरोहा है। अरोहा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी। मोहब्बतों का दिन आ रहा है 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी, ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इस्लाम में ये शामिल ही नहीं है, तो हम कैसे मना सकते हैं? ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहेंगी कि ये सही नहीं है कि लाइक एक दिन नहीं मनाना चाहिए मोहब्बतों का, या ऐसे दिन होने नहीं चाहिए? आवारागर्दी तो सभी करते हैं ना, आशिक वगैरह, चलो ढूंढ लेते हैं, चलो एक दिन क्यों बनाया हुआ है इसके लिए, 14 अगस्त क्यों बनाया हुआ है? इस्लाम में शामिल ही नहीं है, तो हम कैसे मना सकते हैं? खत्म, बाय बाय टाटा। यानी आपको लगता है कि ये एक दिन नहीं होना चाहिए, सारा साल जब भी मौका मिले मोहब्बत कर लेनी चाहिए? नहीं, ये सब करते हैं, ऐसे ही करते हैं, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा क्यों बनाया हुआ? यानी आपको लगता है ये एक इजाफी खर्चा के दिन बना दिया? खर्चे के दिन बना दिए, फ्लावर्स चॉकलेट्स भी की हो गया गुड़िया नु। बस गिफ्ट लेने के बहाने आपको लगता है? हाँ जी, बस ये, और कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। मोहब्बत वैसे ही कुछ नहीं होती? नहीं नहीं होती। मेरा मतलब ये है कि होती ज़रूर है, लेकिन इतना नहीं कि आप लोग को वैलेंटाइन डेज मनाना चाहिए, लड़कियों को फ्लावर्स देने चाहिए। आगे आप लोग क्या करते रहते हो, इस्लाम में शामिल ही नहीं है। आपको लगता है कि निकाह करना चाहिए? हाँ, सीधा निकाह करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ये है कि आप निकाह करें और एक सादगी से ज़िंदगी गुजारें। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप वैलेंटाइन डे, भाई ये रोज़ डे, हग डे, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? यानी ये खुराफात हैं, इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। आप समझती हैं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर पाबंदी लगनी चाहिए? नहीं चाहिए, ज़रूरी है, लगनी चाहिए, ये एवं फजूल सी चीज़ें मुझे नहीं पसंद। अच्छा, यानी ये तो नहीं, वो कहते हैं ना अगर 14 फरवरी तक कोई मिल गया तो ठीक है, वरना हराम है, हराम है, हराम है। बस ठीक है, 14 फरवरी को मिल गया कोई मसला नहीं है। 14 फरवरी को मिल गया तो ठीक है। नारा है तकबीर, अल्लाह हू अकबर, चले, बहुत शुक्रिया। मैम, जैसे आपको पता है ये फरवरी का महीना वैसे मोहब्बतों का महीना है और 14 फरवरी बिल्कुल पास है, आप हक में हैं, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ सर्विस आ जाए, बड़ी प्यारी सी, बड़ी क्यूट सी बेटी इस तरफ है, तो क्या कहना चाहेंगे हमें ये डे किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए? ये डे जो है अपने हस्बैंड के साथ एक्चुअली सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि देखें वो ही फिर आपका सब कुछ होता है। बेशक बेशक। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि शादी के बाद भी मर्दों का भी कुछ 14 फरवरी मनाया जाता है? मेरे हिसाब से तो मोहब्बत का कोई सिलेक्टेड दिन नहीं है। हाँ। मतलब जब आपका हमसफर, अच्छा मैंने वैसे देखा ये जो शादीशुदा बंदे होते हैं ना, ये 14 फरवरी पर सिर्फ ऐसे बयान देते हैं कि बेगम को गिफ्ट ना देना पड़ जाए, ऐसी बात तो नहीं है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वैसे साल भर में गिफ्ट भी देते हैं, हम तो शॉपिंग से हर पूरे साल ही गिफ्ट लेती रहती है ना। ये बात, यानी आपको लगता है कि सेलिब्रेट कर लेना चाहिए या बस सारा साल ही मोहब्बत चलती रहती है? शादी के बाद किया है सेलिब्रेट, थिंकिंग में डिपेंड करता है, जो जैसा बनाना चाहे बनाए। ये जो बहुत सारे लोग इसको अपने लवर्स के साथ भी मना सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी मना सकते हैं, बिल्कुल ओवरऑल जो इसको एक बैड थीम दे दिया जाता है, आप समझते हैं कि ये मोहब्बत का दिन मना लेना चाहिए हमें? दिन देखें हर किसी के, जरूरी है, कपल्स के लिए होता है, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर से साथ, अपने सिस्टर से साथ मना सकते हैं, साथ मना सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, में वो नहीं होना चाहिए, अपने अच्छे, अपने जो भी काम हो एक लिमिटेड में रह गए, और पॉइंट ऑफ अपना पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई कुछ भी बुरा नहीं। बहुत शुक्रिया मैम आपसे बात सुनने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम अवैस है। अवैस, क्या कर रहे हैं आज आप सफारी पार्क में? यार ऐसी तफरी कर रहे हैं। 14 फरवरी पास पास है, कोई गर्लफ्रेंड है भाई की? यार फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल तो भाई की भी गर्लफ्रेंड नहीं, अभी वैसे आज 12 है, एक दिन पड़ा है, अभी भी कोई हमारे प्रोग्राम के तरफ से कोई प्यारी सी भाई जैसी खूबसूरत सी लड़की इनसे रब्ता करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है इनसे, ठीक है? तो आपका क्या ख्याल है, ये जो 14 फरवरी है ये सेलिब्रेट करनी चाहिए? यार क्यों नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। किसके साथ इजहार करना चाहिए? सिर्फ कपल्स को करना चाहिए, माँ बाप के साथ करना चाहिए, बहन भाइयों के साथ करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए? यार जैसे अब मदर्स डे है, आप कपल के साथ तो नहीं मनाते ना, यानी इसी तरह 14 फरवरी है, आपको कपल के साथ ही मनानी चाहिए। बेहतरीन हो गया। तो यानी आप क्या मैसेज दो ना, कोई प्यारा सा मैसेज दो आवाम को, गवर्नमेंट को, कि भाई खुल के मनाने दिया करें, क्या क्यों लोग तंग करते हैं, क्यों बुरा समझते हैं इसको? यार अगर निकाम में है तो खुल के करें जो करना है बस, यानी खुले आम बेहयाई ना करें इतना। खुले आम बेहयाई ना करें, ये बिल्कुल एक अच्छी पॉइंट है कि हमें जो है मज़हब को भी फॉलो करना चाहिए। हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी माशरा है, तो वो काम करने चाहिए जो हमें मज़हब से दूर ना करें। बहुत शुक्रिया आपका सर, सो नाइस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है प्यारे भाई का? अली रजा। अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई आज सफारी में क्या करने आए हैं? आपका भी नाम क्या? मेरा नाम शिराज है। शिराज भाई और अली भाई, ये 14 फरवरी आ रही है तो बड़े खूबसूरत दो गबरू जवान हैं भाई की, तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से बॉडी भी बड़ी बहुत स्मार्टनेस है दोनों में यार, माशाल्लाह। तो क्या कहेंगे 14 फरवरी को, क्या मसरूफियत जा रही है, मनानी चाहिए? मनानी चाहिए। हम तो इनफैक्ट खुद कॉलेज से बंक करके जाएंगे। नहीं कॉलेज खुलीज तो नहीं जाते, प्राइवेट ही कर रहा हूँ मैं तो अच्छा। बाकी ये बंक करके जाएंगे अगर जा सकते हैं तो। क्या कहेंगे आपके, ये मनानी चाहिए हमें? देखें जी, जिसको बेहतर जो लगता है, हर बंदे की अपनी सोच अपना मिजाज है। आप अपना बताएं, सिंगल हैं? नहीं सिंगल ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कमिटेड नहीं है? नहीं कमिटेड नहीं, फ्रेंड्स हैं मेरे पास, लेकिन फ्रेंड्स ही हैं। यानी एज सच वैलेंटाइन नहीं है आपके पास? आपके पास नहीं? नहीं हम फ्रेंड्स ही रखते हैं बस। बकाया खर्चा बहुत हो जाता है। खर्चा बहुत होता है, वो अपनी बॉडी शॉडी पे लगा रहे हैं। प्रोटीन जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोटीन शेक चल रहे हैं, इसका मतलब है। क्या कहेंगे लोगों को, मैसेज क्या देंगे कि यार कोई प्यारा सा मोहब्बत भरा मैसेज दे दें, कोई गाना सुना दे किसी को बिना कहे, कोई नाम लिए जिसको आज तक प्रपोज नहीं कर सके भाई, कोई बता दें कि भाई तुम मैं ही पसंद करता हूँ, तुम समझती नहीं हो? नहीं नहीं ऐसी तो अभी कोई नहीं है जिसको पसंद करे, लेकिन गाना अगर आप कहते हैं तो आपको सुना देते हैं। सुनाएं जी, सुनाएं। चलें मैं आपको सुनाता हूँ। मोहब्बत का गाना हो? मोहब्बत का ही गाना है। मोहब्बत का ही गाना। तैनू इतना मैं प्यार करां, एक पल में 100 बार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां, के तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके, के तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यारी आवाज़ है यार, बहुत ही अच्छा लगा भाई से बात करके। आखिर पे एंडिंग रिमार्क्स हम अली भाई से लेंगे कि भाई वैलेंटाइन ना से किसी को जिम की कोई मशवरा देना चाह रहे हो तो वो तो गाइड करें, बात करें, किसी को कुछ कहना चाह रहे हो? कहना नहीं चाह रहे, अगर आप किसी के साथ सच्ची में हो रिलेशन के अंदर तो उसकी इज्जत करें और उसको जो कहने में एक्सपेक्ट करते हैं वो दें उनको, तो ऐसे फालतू के अंदर किसी को जलील करना वैलेंटाइन के ऊपर वो तो गलत है। यानी टाइम पास आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, अगर आप कमिटेड हैं मोहब्बत करते हैं तो खुल के बताएं और हलाल रिलेशंस में आएं। देखिए जी टाइम पास आपका टाइम पास होता है, अगले बंदे को कब मोहब्बत हो जाए पता नहीं होता, ठीक है? तो किसी की ज़िंदगी को तबाह करना ये गलत है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा लगा भाई बात करके, सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? वालेकुम सलाम, शहबाज़ नाम है। शहबाज़ भाई वैलेंटाइन आ रहा है, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है भाई की? सर देखिए जिनकी हैं वो तो कुछ कह सकते हैं, अगर जिनकी हैं ही नहीं, नहीं। शादीशुदा भी नहीं है? नहीं नहीं। वेले ही कुंवारे? बिल्कुल कुंवारे, बिल्कुल कुंवारे, बिल्कुल कुंवारे। यानी वैलेंटाइन भी जो है वेले ही गुजरे। कोई मैसेज दें किसी को, कोई तर्स खाए कोई बंदा? यार जिनके पास हैं दो दो हैं तो एक एक हमें दे दे, जिनके पास दो दो हैं वो एक एक गिनों को दे दें। चलें बहुत शुक्रिया आपका।
आज हमने सफारी पार्क में लोगों से 14 फरवरी के हवाले से बात करने की कोशिश की। बड़ा मिला जुला सा रुझान नज़र आया। कुछ लोगों ने कहा इसको बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, कुछ ने कहा इसको करना चाहिए लेकिन हलाल वे में करना चाहिए। तो हमारी अपने व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि जो कुछ करें इस्लाम के दायरे में रह के कहें। आपको लगता है कि हमारे इस प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ आनी चाहिए तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। जो नाज़रीन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक रोज़ाना की बुनियाद पर पहुँच सकें। मेरा नाम है मौज़ अहमद गिलानी और मेरे साथ हैं निहाल फैसल। इसके साथ ही हमें आज के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।